दूल्हा दुल्हन का ही है तू। अभी मौसम नहीं आया कुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज का जो ये व्लॉग स्टार्ट किया है, हम लोग जा रहे थे खाना खाने और खाला ने, क्योंकि इम्तियाज़ पे अपने लिए कुछ देखना था, फिर खाला ने बोला कि पहले इम्तियाज़ चलते हैं और फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने ही देखा था किसी व्लॉगर को इंस्टाग्राम पे कि वो हमारे जो गुलबर्ग ग्रीन के पास एक नया ताज महल के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मुझे उसका खाना भी लग रहा था और काफ़ी अच्छा एम्बियंस भी लग रहा था। तो मैंने खाला को बताया तो खाला ने बोला चलो चलते हैं वहाँ पे करीब भी और हम लोग जाके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बस अभी हम लोग आए थे, कपड़े शपड़े देख रहे थे क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना था, तो मैंने सोचा चलो आ ही गई हूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कपड़े आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक अंकल आए हुए थे, उन्होंने अपनी शायद बेटी के लिए कपड़े लेने थे, तो उनको ना बस इधर वक्त पड़ा हुआ था, मतलब उनके स्यापे चले रहे थे, उनको ना समझ आया था कौन सा ड्रेस लूँ, ना उनको साइज़ की कुछ समझ आ रही थी, तो बड़ा जो है ना उनका जो था वो मसला चल रहा था। तो खैर हम लोग बस अभी कपड़े शपड़े देख रहे थे, खाला अपने लिए कपड़े देख रही थी और मैं भी इधर उधर टांका झांकी कर रही थी कि कौन क्या ले रहा है। अच्छा यहाँ पर ना ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये वाला जो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, लेकिन ये था कि मुझे थोड़ा महंगा लगा क्योंकि ये कॉटन नेट के ऊपर था। वैसे इतना महंगा नहीं था, मतलब 2000 में का, हमें 200 का था या 100, मतलब 2100 या 2200 का था, अब मुझे याद नहीं है। तो बस मैं अपनी कज़न को दिखा रही थी कि अगर उसने लेना है तो ले ले, लेकिन उसने भी यही कहा कि ये थोड़ा सा कॉटन नेट जो होती है ना वो थोड़ा सा स्लिप भी लगी होती है और फिर नीचे से जो होता है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा मोटा हो जाता है, तो लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वाइट के ऊपर कलरफुल एम्ब्रॉयडरी हुई है ना तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग इधर उधर देख रहे थे कपड़े, और ये लॉन के जो थे ये भी कुर्ते जो हैं वो सिंगल भी अवेलेबल थे और थ्री पीस भी अवेलेबल थे। अच्छा इम्तियाज़ में ना मुझे ये चीज़ बड़ी इसकी पसंद है क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल शर्ट्स भी मिल जाती हैं और कलर्स इतने वाइब्रेंट लाइट हर कलर में आपको स्टिच ड्रेस मिल जाते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी में कपड़े लेने हो ना, कोई अचानक कोई ऐसी मतलब कोई फंक्शन आ जाए या कुछ आपको चाहिए ड्रेसेस, तो आप इम्तियाज़ से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी मुनासिब कीमत पर अच्छे मतलब कपड़े मिल जाते हैं। और ये होता है कि घर में अक्सर दुपट्टे हुआ है तो पड़े ही होते हैं तो उनके साथ भी कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो जी बस हम लोग इम्तियाज़ से बस सीधा आए हैं यहाँ पर ताजमहल होटल। तो हम लोग क्योंकि मौसम इतना आज वैसे इतना गर्मी नहीं थी, तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि पहले इनका ना बाहर भी काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है बैठने का, तो लेकिन थोड़ी सी हब सी थी और आपको पता है मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं इस मौसम में। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं नहीं हम लोग अंदर ही बैठेंगे और क्योंकि आराम से सुकून से खाएँगे और थोड़ा अंधेरे में ये भी होता है कि कोई कीड़े वगैरह ना गिर जाएँ, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग ये रिस्क नहीं लेते, हम लोग अंदर ही बैठते हैं। चलो यहाँ पिक्चर्स लेंगे अच्छी है, पहले अंदर ना जाके देखें, पहले वो के लिए वापसी पे सामने
यहाँ पर जो था हम लोगों ने ऑर्डर दिया था चिकन टिक्का, क्योंकि सब ने ही चिकन टिक्का मंगवाया था। एक तो हमारा फर्स्ट विज़िट था यहाँ पे, हम लोगों को नहीं पता था कि इनका खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है, इसलिए तो फिर हम लोगों ने सोचा कि रिच नहीं लगते पहले जो है ना वो सिंपल सी चीज़, क्योंकि टिक्का तो एक ऐसी चीज़ है कि वो अच्छा बस वो मतलब इतना रिच नहीं होता कि सही होता है तकरीबन हर जगह का। फिर हम लोगों ने सोचा था कि मतलब पहली दफ़ा आए हैं तो हम लोग टिक्के ही मंगवाते हैं, और फिर जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर अच्छा हुआ खाना तो फिर कभी दोबारा आए तो फिर डिफरेंट कोई चीज़ मंगाएंगे। लेकिन मैं तो अब इतना ज़्यादा डरती हूँ ना कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है, मंगाओ कुछ और आता कुछ है, मेरे माइंड में कुछ और होता है और चीज़ कुछ और आ जाती है। तो यहाँ पर ये था कि टिक्कों का जो फ्लेवर था ना वो मज़े का था, और लेकिन इसके अलावा जो इनको थोड़ा सा डिप वगैरह भी देनी चाहिए थी टिक्के के साथ वो नहीं थी, और एक्स्ट्रा आपको मतलब जो चटनी हुआ है ना वो एक्स्ट्रा मंगवानी पड़ती है। इसके अलावा ये था कि जो चटनी थी उसका कोई टेस्ट नहीं था, बिल्कुल माइल्ड सी थी। नान जो था वो मैंने गार्लिक नान मंगवाया था, लेकिन गार्लिक नान का एक जो एक अरोमा फ्लेवर होता है वो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था। और खाला वगैरह सब ने रोगनी नान मंगाया था, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे गार्लिक नान पसंद है तो मैंने सोचा चलो वो ट्राई करती हूँ। ओवरऑल बस ठीक था खाना, मतलब मैं 10 में से अगर इसको रेट दूंगी तो आई थिंक 7 या हाँ 7 ठीक है, क्योंकि इनका जो है ना इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया था। तो जी बस यहीं तक था मेरा छोटू सा व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो सिर्फ प्लीज़